क्रिकेट को हमेशा माइंड गेम कहा जाता है। क्रिकेट में एक से एक खिलाड़ी आए और एक से एक इंटेलिजेंट खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया। लेकिन आज हम पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो क्रिकेट के बहुत ही अच्छी समझ रखते थे और इनका सोचने का तरीका ऐसा था कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता था कि वो हमारे इससे भी चालाक पाँच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस लिस्ट पे पांचवें नंबर के खिलाड़ी का नाम है अर्जुना रानातुंगा। अर्जुना रानातुंगा श्रीलंका के कप्तान भी रह चुके हैं। दोस्तों अर्जुना रानातुंगा में एक गजब का टैलेंट था। वो क्रिकेट के बारे में ऐसा सोचते थे कि सामने वाले को मतलब दबाव उसी माइंड से ही दबाव में ला देते थे। दोस्तों अर्जुना रानातुंगा के बारे में एक कहावत है कि वो कूल माइंड से सामने वाले को विपक्षी वाले को तार तीर कर देते थे। इसका जीता जागता उदाहरण भी है कि उन्होंने अपने कप्तानी के दम पर ही 1996 का वर्ल्ड कप भी जिताया था। और मुरलीधरन का वो किस्सा तो आप लोगों को याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा था तो मुरलीधरन को बार बार नो बॉल दिया जा रहा था। उन्होंने अपनी बुद्धि से अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करके उस वाक्या को ऐसे निपटाया ऑस्ट्रेलिया के अंपायर को पता भी नहीं चला और ये कारनामा इतिहास बन गया। आज भी जब भी हम अर्जुना रानातुंगा की बात करते हैं तो मुरलीधरन को कैसे उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाया उसके पीछे भी हमेशा अर्जुना रानातुंगा का ही हाथ है। क्रिकेट के इतिहास में हमेशा इस बात को याद किया जाता है। इस लिस्ट पे चौथे नंबर के खिलाड़ी का नाम है टॉम मूडी। टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। दोस्तों ये लेट 90s में खेला करते थे और उस दौर में इन्हें बहुत ही बुद्धिमान प्लेयर कहा जाता था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि उस ज़माने में जब बॉलर्स बॉल या तो यॉर्कर फेंकते थे या तो बाउंसर फेंकते थे और टॉम मूडी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं और 6 बॉल को अलग तरीके से फेंकते थे। स्लोअर फेंकते थे, बाउंसर फेंकते थे, यॉर्कर फेंकते थे। बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करेगा। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 8 टेस्ट मैच खेले हैं और लगभग 76 ODIs खेले हुए हैं और उस दौर में ये ODIs के ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट सदस्य हुआ करते थे और इनकी बॉलिंग में गजब का हमें टैलेंट भी देखने को मिलता था। इस लिस्ट पे तीसरे नंबर के खिलाड़ी का नाम है क्रिस हैरिस। दोस्तों क्रिस हैरिस न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे। ये बहुत ही माइंडेड प्लेयर थे उस ज़माने में। अगर आप 80s के किड्स हो, 90s के किड्स हो तो क्रिस हैरिस को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्रिस हैरिस न्यूजीलैंड की जान हुआ करते थे। इन्होंने अपने जीवन में 23 टेस्ट खेले और 250 वनडे खेले। दोस्तों इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये जब बॉलिंग करने आते थे तो विपक्षी टीम में जो बैटिंग करते रहता था उसके माइंड को ये रीड कर लेते थे और ये अपने स्लोअर बॉल से ऐसे बल्लेबाजों को पछाड़ते थे। उस ज़माने में कई इनके किस्से हैं। ये तो बॉलिंग तो करते थे लेकिन साथ ही साथ ये बैटिंग में भी जानदार परफॉर्मेंस करते थे। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में एक मात्र शतक लगाया और 16 अर्धशतक लगाए लेकिन इन्होंने अपने क्रिकेटिंग माइंड की से वजह से जैसे कि सिंगल डबल करके ही इन्होंने लगभग अच्छा खासा योगदान दिया हुआ है न्यूजीलैंड क्रिकेट में और उस ज़माने में न्यूजीलैंड क्रिकेट को इन्होंने बहुत समय तक थाम के भी रखा था। इस लिस्ट पे दूसरे नंबर के खिलाड़ी का नाम है कार्ल हूपर। कार्ल हूपर वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर थे। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 102 टेस्ट मैच खेले और 200 से ज़्यादा वनडे खेले हैं। इनके बारे में ये कहा जाता था कि जब ये कप्तानी कर रहे थे तो इनके टीम में लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से ये जो प्लेयर कार्ल हूपर है वो इतनी अच्छा परफॉर्मेंस निकालते थे खिलाड़ी के बल्ले से और गेंद से। दोस्तों उस ज़माने में ब्रेन लारा, शिवनारायण चंद्रपाल, उनको भी हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नाम थे और कार्ल हूपर कप्तानी करते थे। और एक वाक्य इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच में कुछ अनबन चल रहा था तो उस दौर में इन्होंने ऐसा मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच में तालमेल बैठाया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। और कार्ल हूपर के बारे में भी कहा जाता है कि उस ज़माने में ये बहुत ही ब्रेन वाले खिलाड़ी थे।
इस लिस्ट पे पहले नंबर के खिलाड़ी का नाम है MS धोनी। कोई डाउट ही नहीं होना है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप सभी तो जानते हैं कि वो कितने दिमाग था उस खिलाड़ी के पास। वो इतने दिमागदार खिलाड़ी थे कि लोमड़ी को भी वो मात दे दे। इनके एक किस्से नहीं हैं, इनके अनेक किस्से हैं। चाहे वो किसी को रनआउट करना हो, चाहे DRS यानी धोनी रिव्यू सिस्टम लेना हो। अगर क्रिकेट इतिहास में सबसे माइंडेस्ट खिलाड़ी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को हर कोई नंबर वन में रखेगा, क्योंकि यही वो एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताया है, जिन्होंने ICC T20 भी जिताया है, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है दोस्तों, और ऐसे खिलाड़ियों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता ही है दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी कहा जाता था, चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे कितनी भी झगड़ा हो, लेकिन मैदान में मेरा माइंड एकदम कूल रहेगा। और क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूलेस्ट माइंड का दर्जा अगर किसी को मिलना चाहिए तो मुझे यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों बताइए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप क्या सोचते हैं।